Hey guys, welcome to Blending Flavors. Today we are going to share the recipe of winter soothing drink. It's hot chocolate. It's simple and easy yet delicious. Let's start the recipe. हॉट चॉकलेट बनाने के लिए हम एक पैन में 4 कप दूध लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 400 ml. इट विल मेक 4 to 5 cups ऑफ हॉट चॉकलेट. जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम 1/4 cup दूध में 2 tablespoons जितना कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे और एक स्लरी बना लेंगे, जिससे हमारा हॉट चॉकलेट ज़्यादा थिक बने. और हमें ठंडा दूध लेना है, गरम दूध लेने से लम्स आएंगे. अब हमारा दूध एक बॉयल आ गया है, उसके बाद हम 2 tablespoons शुगर ऐड कर रहे हैं, 2 tablespoons बॉर्नविटा, 1 tablespoon चॉकलेट पाउडर एंड 1 tablespoon कोको पाउडर. अब ठीक से मिक्स कर लेंगे और एक और बॉयल आने तक हमें इसे पकाना है. तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है हॉट चॉकलेट. इस स्टेज पे जब बॉयल आ जाए फिर हमें वो कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी डाल देनी है. इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी हमारे हॉट चॉकलेट की. उसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल होने देना है. तब तक हम हमारी डार्क चॉकलेट को चॉप कर लेंगे. किस तरह से फाइनली चॉप करना है, आप डेरी मिल्क या कोई भी और चॉकलेट ले सकते हैं. 100 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली लेनी है डार्क चॉकलेट. इस तरह से फाइनली चॉप करके डालेंगे तो इजीली मेल्ट हो जाएगी दूध में. दो से तीन मिनट के बॉयल के बाद इस स्टेज पे हम डाल देंगे हमारी डार्क चॉकलेट और उसे ठीक से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट और उबालेंगे, जब तक हमारी डार्क चॉकलेट हॉट चॉकलेट में प्रॉपरली मिक्स हो जाए. चॉकलेट तैयार हो जाए फिर उसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है. उसके बाद इस तरह से ग्राइंडर से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी चॉकलेट या कोको पाउडर उसमें ना रहे और एकदम स्मूथ हॉट चॉकलेट मिले. हम इस तरह से ग्लास में भर लेंगे हॉट चॉकलेट को और उसे हमने डार्क चॉकलेट से गार्निश किया है. आप व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको हॉट चॉकलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल ब्लेंडिंग फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.